जाहिरी खुशी से खुश है। अभी तो तूने गैप की मार कहाँ देखी है, तूने तो सिर्फ तेल के कुएं देखे, अभी तेल की धार कहाँ देखी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक इज ओवर। क्या सच में मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है और राहुल गांधी जी की आंधी चालू हो चुकी? इसी बात पे आज हम डिस्कस करें। सबसे पहली चीज तो 2024 के इलेक्शन में भाजपा को बहुमत नहीं मिली, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी एनडीए की सरकार है। 240 सीट्स आई है भाजपा की, ये कुछ कम सीटें नहीं। ऑपोजिशन पूरी मिलके भी 240 सीट्स तक जैसे तैसे पहुंच पाई। और मैं ये भी बता दूं कि ये भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। आगे हम बात करेंगे कि क्या मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। तो 2024 के इलेक्शन में अगर आप रिजल्ट में देखोगे तो गुजरात और मध्य प्रदेश तो पूरा स्वाइप कर ली, और गुजरात में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई लोकसभा की, दूसरी सारी की सारी सीटें भाजपा ने अपने कब्जे में। इसका मतलब कि आज भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे भाजपा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड, और वहां पे भाजपा को हराना अभी भी नामुमकिन। और मैं ये कह दूं कि मोदी जी की लोकप्रिय एक दिन में कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोकप्रियता कुछ एक दिन में नहीं बनी, ये 10 से 15 साल की कड़ी मेहनत है जिसके बाद ये मोदी जी का मैजिक हुआ है पूरे देश। आगे हम जाए तो क्या राहुल गांधी जी मोदी मैजिक को तोड़ के अपनी आंधी चला पाए? तो मैं ये कह दूं कोई भी लीडर यहां पे आगे बढ़ सकता। 2009 से पहले कोई नहीं कह सकता था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो बने। वैसे ही आज 2024 में हमें लग रहा हो कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन 2029 में क्या पता राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब राहुल गांधी जी के लिए ये रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन उनकी दादी उनके पिताजी दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी का बर्थ राइट है प्राइम मिनिस्टर बनना, लेकिन मैं कह दूं इतना इजी नहीं है। राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पहले लोगों का लीडर बनना होगा। अभी राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर है, ना कि देश के लीडर है। देश के लीडर बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि आज भी देश अपना लीडर मोदी जी को ही मानते हैं और मोदी जी की बातें ही लोग सुनते हैं। अगर मोदी जी कुछ ऐसा बयान भी दे दे जो कि गलत है, फिर भी लोग उसे सच मान लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी अगर एक गलत बयान दे तो वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। इसके पीछे मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी होगी कि मोदी मैजिक एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, और ना ही वो अभी तक खत्म हुआ है। जितनी भी रेटिंग्स देख लो, जितने भी सर्वेस देख लो, आज भी मोदी जी राहुल गांधी जी पे बहुत ही भारी पड़ रहे। मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी को अभी भी बहुत ही लंबा फासला तय करना है, और मैं ये भी कह दूं कि राहुल गांधी जी जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन कांग्रेस की अकेले की सरकार बहुमत के साथ नहीं आएगी। जो इंडिया अलायंस है वो सरकार बना सकता है, और वो मिलके राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुँचा सकते हैं। आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।